दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो है यहां पे सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर आप कहो सेकंड एडमिशन लिस्ट जो है रिलीज कर दिया गया है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एस्पिरेंट जो है सिलेक्ट किए गए हैं एंड वो पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो वेबसाइट में जो है बार बार एरर्स हो रहा है, तो यहां पर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना है आपको, उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो है एक मैसेज आ रहा है कि आप जो है प्रोविजनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो है इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हो, आपको जो वेबसाइट पर जाकर के जो है पेमेंट करना है। तो इन तीनों के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सभी के लिए मैं इस तरह की अपडेट जो है ऑलवेज इस चैनल पर लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे जो है आपको इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिकॉज अगर अभी आप जो है वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट जो है फिर से एरर्स होगा एंड आप लिस्ट देख नहीं पाओगे, इस चीज को आप ध्यान देना। तो यहाँ पे इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो है हमारे चैनल के अबाउट में मिलेगा, आप वहां पर जाकर के जो है चेक कर लेना। अब दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए जो भी एस्पिरेंट सिलेक्ट किए गए हो एंड आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो पेमेंट में जो है आप जब वेबसाइट विजिट करते हो वेबसाइट जो है आपका रिलोड हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में क्या करना है। देखो जो वेबसाइट आपको मैसेज में आ रखा है तो उस चीज को सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देख लो, सुन लो पहले मेरी बात, कि जिनका नेम लिस्ट में है वही पेमेंट करने के लिए जाना, जिनका लिस्ट में नेम नहीं है वो मत जाना पेमेंट करने के लिए। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज जब मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर होगा। पहले ये चीज सुन लो, आपको जो है वेबसाइट जाना है या फिर जो आपको मैसेज आया हुआ होगा तो उस मैसेज को आप देखना, क्या उस मैसेज में cupb. जो आपका samarth.ac.in है या फिर जो है samarth.cupb यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब .ac.in का वेबसाइट दिया हुआ है। अगर ये वेबसाइट दिया हुआ है तो आप इसे जो है अपने गूगल क्रोम पे जो है सर्च करके, नॉर्मली अगर यही लिंक होगा तो इसे सर्च करके जो है आप वेबसाइट विजिट करके जो है अपने आईडी को जो है लॉगिन करने के बाद में जो है पेमेंट कर सकते हो, इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे देखो। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो है आप उस लिंक के थ्रू ही जाने की कोशिश करना, ये मैं आपको उपाय बता रहा हूं, लेकिन आप उस लिंक के थ्रू ही जाना ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप कहोगे कि हमने जो है कहीं और पेमेंट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वेबसाइट पर जाकर के जो है पेमेंट करना एडमिशन अगर आपको चाहिए, तो इस चीज को आप ध्यान देना, ओके। एंड यहाँ पे जो है एक थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है अभी एक दो दिन पहले जो है यहाँ पे मैसेज भेजा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो है कि आप प्रोविजनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो है सिलेक्ट कर लिए गए हो, आपको जो है जाकर के पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो है एक मिस्टेक हो गई, बिकॉज यहाँ पे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से यहाँ पे जो है वेबसाइट प्रॉब्लम के कारण जो है यानी जो है कुछ एरर हो गया, जिसके कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो है मैसेज भेज दिए गए जिनका नेम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो मेरिट लिस्ट है उसमें नेम नहीं आया हुआ था। एंड उसके बाद में जो है उनको जो है मैसेज चला गया, अब वो पेमेंट करने के लिए चले गए। अब जैसे ही पेमेंट करने के लिए चले गए तो वेबसाइट में जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, जिसके कारण जो वेबसाइट जो है यहाँ पे आप जो है रिलोड नहीं हो पा रहा है एंड आप पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे कि जिनका नेम आया हुआ है लिस्ट में वही पेमेंट करने के लिए जाओ, ताकि जो है उनको भी सहूलियत हो, वेबसाइट में ज्यादा लोड ना पड़े एंड आप आराम से जो है अपने काम कर सको। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पेमेंट करने के लिए मैं आपको कहूंगा, आप रात में पेमेंट करो, उस टाइम पे जो है बहुत कम एस्पिरेंट जो होते हैं आपका जो है वेबसाइट पे एक्टिव रहते हैं, तो आप रात में पेमेंट करने की कोशिश करो या फिर जो है सुबह सुबह 4 या 5 बजे पेमेंट करने की कोशिश करो। एंड ये लिस्ट जो है आपका एक दिन पहले ही आई हुई थी, लेकिन इसका लियर जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको आज दे रहा हूं, बिकॉज कल जो है वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी एंड मैं यहाँ पे जो है पीडीएफ नहीं चेक कर पा रहा था, इसीलिए जो है ये आपको मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को आप ध्यान देना। अब इन चीजों को आपने ध्यान दे दिया, अगर मान लो इसके बावजूद जो है अगर आपका वेबसाइट जो है रिलोड नहीं होता है तो आप जो है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को जो है मेल कर सकते हो कि वेबसाइट प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट का जो भी है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप उन्हें सेंड कर दो। सेंड करोगे तो वो इस चीज को कंसीडर करेंगे एंड आपको आप जो है पेमेंट की डेट को इंक्रीज कर सकते हैं वो, इस चीजों को आप ध्यान देना। तो ये तीन जो भी उपाय थे मैंने आपको बताया एंड लिस्ट जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके चेक कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं इस तरह के अपडेट एंड नोटिफिकेशन साथ में नेक्स्ट के वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स।